वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी साहब वालों धर्मशाला के रूप में सिरजी महान सिख संस्था गुरद्वारा गुरमुख प्रचार अभ्यास और प्रचार का केंद्रीय स्कूल है, जिथों सिखी का सरूप और सिद्धांत रूपमान हुंदा है। आपां सारे ही ये समझते हाँ और अक्सर कहते हाँ कि एक चंगे प्रबंध में गुरद्वारे सिखी की टकसाल बनते हैं। जिथे सिखी स्वरूप घड़िया जाता है उत्थे गलत गुरद्वारा प्रबंध सिखी स्वरूप, सिखी सिद्धांत, सिखी मान सम्मान अते सिखी भविख लई घातक साबित हुंदा है। इसे लई सारी सिख कौम विच गुरद्वारियां दे सेवा प्रबंध प्रति बहुत वड्डा कंसर्न रहा है। इस मसले नूं लै के अज साडे गुरद्वारे कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स विच घिरे हुए हैं, जिस करके इस कौमी सरमाए की हो रही बर्बादी कौम का विशेष ध्यान मंगती है। नहीं तो जय है आटा लोन ज्यों सोन समान शरीर दे गुरु बचन वांग पवित्र गुरद्वारा कॉन्सैप्ट निरार्थ ही नहीं बल्कि घातक साबित हो सकता है। विंडसर दियां संगतां ने एक हमला मारिया अते यह विचार हुई कि गुरु घर विच धड़ेबाजी खत्म करके कम्यूनिटी विच एकता किवें लियांदी जावे। 24 नवंबर नूं जनरल मैंबरशिप की मीटिंग विच शामिल होए मैंबरां ने गुरद्वारा साहब के प्रबंध विधान नूं सुधारण लई कई उसारू विचार पेश कीते, जिन्हां विच मुख तौर पर प्रबंधक चोण प्रणाली, मैनेजमेंट सिलेक्शन सिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिस्टम अते मैंबरशिप इशू मुख सन। इन्हां विचारां अते सुझावां दे आधार ते दास ने कमेटी मैंबरां नाल सलाह करके इस सोध प्रस्ताव नूं तैयार कीता। दिस ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मी मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द सुजैशन ऑफ द मैंबरस गिवन ऑन November 24th एंड आफ्टर डिस्कशन विद कमेटी मैंबरस। आई डिड यूज सम डिस्क्रिशन अगेन विद द क्लीनेस्ट ऑफ माई इंटेंशन। इफ द संगत सो वॉन्ट्स आई कैन अपलोड द वीडियो टू एनी प्लेस दैट द संगत कैन शेयर फ्रॉम। कॉन्ट्ररी टू द एक्सपेक्टेशंस दिस ऑनेस्ट एफर्ट ओवरऑल डिड एग्जैक्टली ऑपोजिट वट इट वॉज इंटेंडेड टू डू। जस्ट लाइक अ मेडिसन समटाइम कॉजिज रिएक्शन। गुरद्वारा साहब विखे 9 दिसंबर नूं ये ड्राफ्ट पेश करन उपरंत मैंबरां अते संगतां विच वक वक तरह का प्रतिकर्म होया। ऑल्दो द इंटेंशन वॉज टू यूनाइट द संगत बाय रिमूविंग द पार्टीजन पॉलिटिक्स दैट हैज़ ग्रिप्ड आवर कम्यूनिटी एंड कॉज्ड अपवर्ड ऑफ $1 million इन कॉस्ट टू अस। सत्संग जी, जदों दो भरा लड़दे हैं तो पूरे परिवार को भुगतना पैंदा है, जो साड़ी विंडसर सिख कम्यूनिटी नाल होया। विंडसर गुरद्वारा साहब विच इस दलगत राजनीति नूं खत्म करन लई बिल्कुल साफ दिल नाल किसी तरह के निजी मुफादा तो उपर उठ के गुरमत ते बिना किसी कंप्रोमाइज किए सारयां नूं नाल लैके चलण दे इरादे नाल यह हमला मारिया गया। पर इस ड्राफ्ट की कापी मैंबरां नूं मिलण अते वोटिंग डेट विचकार मैंबरां लई इस बारे सोच समझ के फैसला देण लई समां घट सी, जिस करके काफ़ी दुविधा पैदा हुई। इसलिए दास तैं दिलो माफ़ी मंगदा है अते यह स्पष्ट करना चाहुंदा हाँ कि किसे तरह भी संगतां उत्ते इसनूं थोपण दा कोई मकसद ना सी ते ना है। 24 नवंबर नूं मैंबरशिप मीटिंग विच वी अते 9 दिसंबर नूं पेश करन वेले वी मैंबरां नूं यह बेनती की गई कि इसनूं सारे चंगी तरह पढ़ के सोच समझ के विचार के इस ते अपना फैसला देना है। कई मैंबरां ने संगतां ने उस ही दिन कई सुझाव दिते जिन्हां ते विचार करके अगले दिन 10 दिसंबर नूं कुछ चेंजेस इनिशियल ड्राफ्ट विच कर दित्तियां गईयां। परंतु जदों यह महसूस किया गया कि संगतां विच इस बारे कई तरह की मिस इंटरप्रिटेशन, कन्फ्यूजन, मिस एप्रीहेंशन अते डाइवर्जेंस चल रही है तो संगतां वालों ये मंग हुई कि इस कार्ज लई यह समा अजे ढुकमा नहीं है, तो बिना किसी देरी तो इस प्रस्ताव नूं कमेटी वालों वापस लै लिया गया। इत्थे एक जो भंबल भूसा सुन विच आया है कि इस संविधान की सोध नाल मौजूदा प्रबंधक गुरद्वारा साहब ते कब्जा करना चाहते हैं। दास ये स्पष्ट करना चाहता है कि प्रबंधक सेवादार कमेटी का
इस संविधान तब्दीली विच कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जे ये संविधान संशोधन अमल विच आउंदा है तां मौजूदा सत्तां कमेटी मैंबरां विचों 10 समेत 4 होर कमेटी मैंबर अगली प्रबंधक कमेटी की चोण विच किसी भी सूरत भाग नहीं ले सकणगे, क्योंकि उन्होंने अपनी 4 साल की मैक्सीमम टर्म लिमिट पूरी कर ली है। दोबारा आने लई उन्हां नूं घट्टो घट 2 टर्मां यानी कि 4 साल उड़ीक करनी पवेगी। इस तों इलावा आप दे चरणां विच वादा है कि दास दे निजी परिवार का कोई भी मैंबर अगली चोण विच भाग नहीं लवेगा। सो सासन जी, हैविंग सैड दिस, आई परसनली वंस अगेन टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन गैप एंड सीक पार्डन फॉर एनी इनकन्वीनियंस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट दैट दिस माइट हैव कॉज्ड। वी हैव विदड्रॉन दिस अमेंडमेंट ड्राफ्ट एंड एज वी मूव फॉरवर्ड आई मेक माई हम्बल एंड प्लाइट अपील to all the members and the congregation that no one should panic. Everyone should try to understand the concept of changes that were proposed from Gurmat point of view to unite the community in the best interest of the society, the Gurdwara, the Sangat and Khalsa Panth. Let's all make a fresh start with the cleanest intention, remembering to rise above self for the uplift of our community and this institution of Guru. Mera russe na kalgiyan wala jag paave sara russ jaye, pant vasse main ujna man chao khnera ji. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh.